न्यूज इंडिया और संचार टाइम क्राइम न्यूज है। आइए देखते हैं इस वक्त की अहम खबर क्या है। इस वक्त की अहम खबर यह है कि 5 राज्यों में तो इलेक्शन हो चुके हैं, 3 दिसंबर को इनका रिजल्ट आना बाकी है। जिस तरह से इस वक्त हलचल मची हुई है और एग्जिट पोल जैसे आने शुरू हो चुके हैं, इससे ऐसा लगता है कि 5 राज्यों में कांग्रेस बहुमत बनाकर अपनी सरकार बनाने जा रही है। इसी तरह तेलंगाना में राहुल गांधी ने कहा कि मोहब्बत की दुकान हम लगाने आए हैं नफरत की दुकानों को मिटाने के लिए, और इन्होंने तेलंगाना के जो इस वक्त प्राय चीफ मिनिस्टर हैं उनको भी और AIMIM के लीडर असदुद्दीन ओवैसी को भी उन्होंने निशाना बनाते हुए कहा कि ये दोनों लोहे बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। इस वक्त तेलंगाना की जो 119 सीटें हैं उसमें कम से कम 70 से 75 सीट जो है कांग्रेस हासिल करने जा रही है। इसी तरह मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, यहाँ पर भी कांग्रेस अपनी हुकूमत बनाती हुई एग्जिट पोल में दिखाया गया है। इस तरह से जब पता चला है कि इस वक्त बीजेपी पूरी तरह ढेर होती हुई नज़र आ रही है और कांग्रेस का पलड़ा भारी होते जा रहा है, फिर एक बार लोगों के दिलों में कांग्रेस के लिए मोहब्बत पैदा हो रही है और ऐसा लगता है कि कांग्रेस की हुकूमत 2024 के लोकसभा में कांग्रेस की हुकूमत बनने जा रही है। आइए देखते हैं राहुल गांधी ने किस तरह तेलंगाना में अपने ख्यालात का इजहार किया है। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आपसे मोहब्बत करते हैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात बोली। राजनीति में भारत जोड़ो यात्रा से पहले मोहब्बत शब्द का प्रयोग कोई नहीं करता था, सही बात है ना? तो भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य यही था। ये देश जो है ये नफरत का नहीं है, ये मोहब्बत का देश है। और नरेंद्र मोदी ने, आरएसएस ने, कट्टरपंथियों ने पूरे देश में नफरत फैला दी। तो सबसे पहले बात समझने की यह है कि सबसे पहली लड़ाई नफरत के साथ लड़ाई है। इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा में बहुत सुंदर नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और भारत जोड़ो यात्रा ने हिंदुस्तान की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। और पहली बार जो पहले गांधी जी के समय मोहब्बत एक राजनीतिक शब्द हुआ करता था, उसको फिर से सही जगह दी। राजनीति में मोहब्बत को हम आगे लाए। अब देखिए, मैं नरेंद्र मोदी से लड़ता हूं, उनके दिल में जो नफरत है उससे लड़ता हूं, उनके क्रोध से लड़ता हूं। मेरे ऊपर 24 केस है, ठीक है, 24, एक असम में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, हर जगह मेरा कोई ना कोई केस है। कभी मुझे कोर्ट यहां बुलाता है, कभी वहां बुलाता है, कभी यहां ले जाते हैं, उसके बाद जेल का सेंटेंस हो गया। पहली बार डिफेमेशन के लिए 2 साल की सजा मुझे मिली, ठीक है। उसके बाद मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी, ये सब आप जानते हो ना। उसके बाद मेरा जो सरकारी घर था वो उठा के ले गए। मेरा जवाब भी आप जानते हो, मुझे आपका घर नहीं चाहिए, ले जाओ उठा के अपना घर, मुझे नहीं चाहिए ये घर। मेरा घर उस इमारत में थोड़ी है, मेरा घर हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोगों के दिल में है, मुझे तुम्हारे घर की क्या जरूरत। तो ये मैंने बोला। और ये लड़ाई जो है विचारधारा की है,
मैं उनसे कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठ सकता। ना नरेंद्र मोदी मुझसे कॉम्प्रोमाइज करेगा, ना मैं उससे कॉम्प्रोमाइज करूंगा। विचारधारा की लड़ाई है, सालों से मेरा परिवार ये लड़ाई लड़ रहा है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, मैं और प्रियंका। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मेरे ऊपर 24 केस, ओएसी जी के ऊपर कितने केस? एक भी केस नहीं। मेरे ऊपर ईडी, सीबीआई, जो भी एजेंसी है वो 24 घंटा मेरा पीछा करते रहती है। ओएसी जी के पीछे कौन सी एजेंसी है? ना ईडी, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स। खुला रास्ता दे रखा है नरेंद्र मोदी जी ने। तो सवाल उठता है कि ओएसी जी पे एक भी केस क्यों नहीं? ओएसी जी की सदस्यता रद्द क्यों नहीं हुई? ओएसी जी का घर क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि ओएसी जी नरेंद्र मोदी की मदद करते हैं। सीधी सी बात। मैं आपको बताता हूं, आसाम में चुनाव होता है, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस पार्टी, वहां पे एमआईएम का कोई वोट नहीं है, एकदम एमआईएम आती है, बीजेपी से कैंडिडेट की लिस्ट लेती है और कहती है भैया हमें बताओ आपके लिए कौन से कैंडिडेट हम खड़ा करें, और जो बीजेपी कहती है वो सारे के सारे कैंडिडेट्स एमआईएम आसाम में खड़ा कर देती है। खबरों को प्राइम न्यूज इंडिया को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, लाइक और शेयर करना न भूलें।